ओ भाई पूरा अंधेरा है नीचे एंड हम लोग यहाँ आके यहाँ पता नहीं है भी नहीं है आने का डरना नहीं भाई भाई अपने ब्रो से ना देख रही है भाई एयर साइकिलिंग करने एयर साइकिलिंग करके आते हैं फटाक से लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही गाइस 10 जनवरी को। आज हम लोग जा रहे हैं गाइस कीव गार्डन। तो अभी फिलहाल गाइस हम लोग हैं बारापत्थर पे। बारापत्थर से अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। हम लोग जा रहे हैं कीव गार्डन गाइस। आज तो काफी तगड़ा सा ब्लॉग होने वाला है। फिलहाल अभी जस्ट बारापत्थर पे थे, ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे धूप वगैरह आ रखी है, काफी बढ़िया मौसम हो रखा है और ना यहाँ पे गाड़ियों का शोर काफी ज्यादा हो रहा है। तो बड़े मुश्किल से ब्लॉग बनना, 2-3 बार कट गया है फिर जाके ब्लॉग बनना। तो फिलहाल गाइस अब हम लोग चलते हैं कीव गार्डन को, आगे चलते हैं। आज आपको कीव गार्डन दिखाएंगे नैनीताल में, जो कीव गार्डन है काफी बढ़िया सा। तो फिलहाल अभी हम लोग बारापत्थर पे हैं जस्ट। हम लोग कौन सब दोस्त लोग जा रहे हैं, मिलाता हूं पहले सबसे फिर चलते हैं कीव गार्डन को। तो फिलहाल गाइस मेरे साथ है गौरव भाई, अभिषेक भाई एंड एक और नया दोस्त। क्या भाई क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। तो फिलहाल आज हम 4 लोग जा रहे हैं गाइस केव गार्डन, काफी तगड़ा सा ब्लॉग शूट करने। चलती गाड़ी उड़ती धूल, जलते दुश्मन खिलते फूल। अरे वाह। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग बारापत्थर पे पहुंच गए एंड ना यहाँ पर बारापत्थर पे एक तगड़ी सी लोकेशन है, इस साइड पे है। फिलहाल अभी आपको फिलहाल अभी आप लोगों को दिखने आएगा, वहीं चलते हैं। वहाँ पे काफी बढ़िया व्यू आता है गाइस नैनीताल का, तो वहाँ से आपको नैनीताल दिखेंगे। छुपी हुई लोकेशन है गाइस नैनीताल में बारापत्थर कहाँ पे, तो आज आपको दिखाते हैं ऐसे बढ़िया से। यहाँ पे चलते हैं गाइस, ऊपर पर थोड़ी रील वगैरह बनाएंगे जो कि आप इंस्टाग्राम में देख लेना। तो पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको काफी तगड़ा सा व्यू। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, इतना प्यारा व्यू है गाइस यहाँ से नैनीताल का, जो व्यू दिखता है काफी तगड़ा सा दिखता है। फिलहाल ऊपर पहुंच गए, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू गाइस प्यारा सा। ओ भाई ये चेक करे गाइस, भाई देखो ये गाइस प्यारा सा व्यू कितना प्यारा है भाई। सो गाइस ये है सुकोताल। आजकल यहाँ काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना स्विमिंग पूल बन रहा है। पहले से यहाँ पे तालाब था, जैसे नैनीताल का तालाब है ना वैसे यहाँ पे सुकोताल था, बट आजकल यहाँ पानी नहीं है। जब 3 दिन की बारिश नहीं बैठती गाइस ये पूरा फुल हो गया था। आजकल काम चल रहा है क्योंकि यहाँ बन रहा है स्विमिंग पूल, इसलिए यहाँ वो काम चल रहा है। तो इसलिए गाइस यहाँ स्विमिंग पूल बना रहे। तो फिलहाल ना गाइस अभी हम लोग बारापत्थर पे जस्ट पहुंचे थे एंड यहाँ से व्यू देख रहे हैं। वो लोग उधर पे जरा कह रहे हैं, वो लोग वहाँ पे रील बना रहे हैं एंड अभी बारापत्थर पे गाइस। अभी हमें यहाँ से कीव गार्डन जाना है जो कि ना सुकोताल पे है। अभी हम बारापत्थर पे देख सकते हो, अभी वहाँ पर से जस्ट मैंने ब्लॉग शुरू किया था एंड वहाँ से हम घूम के यहाँ पे आ रखे हैं। थोड़ी यहाँ पे भी रील बनाते हैं जो कि आप इंस्टाग्राम में देखना, वैसे यूट्यूब शॉर्ट पे भी आ जाएगी वो रील। फिलहाल अभी बनाई नहीं, अभी बनाते हैं थोड़ा एंड फिर चलते गाइस कीव गार्डन। और गाइस इस जगह की एक खास बात बताता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने कर्मा भी शूट किया था अपना, इसी जगह पे किया था गाइस। वो ये कुछ जगह थी कर्मा जहाँ पे शूट हुआ था, हम लोगों ने कर्मा जहाँ पे हमारा शूट हुआ था ये लोकेशन थी गाइस। गाइस अब फटाफट एक दो रील बनाते हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से, उसके बाद चलते हैं सीधे कीव गार्डन एंड प्रॉपर ब्लॉग तो वहीं का बनेगा। तो फिलहाल ना गाइस ये कुछ बारापत्थर पे गुप्त सी लोकेशन थी जहाँ से अभी हम लोग आ गए। तो आप लोग कमेंट बताना आपको कैसी लगी लोकेशन यार, काफ़ी बढ़िया सी। मतलब ना अगर आप नॉर्मल यहाँ से चल के आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा यार इतनी बढ़िया लोकेशन भी है वहाँ पे करके। बस थोड़ा जंगल टाइप का है, वहाँ से अंदर से जाना पड़ता है, तो वह है कुछ गुप्त सी लोकेशन। फिलहाल ना अभी हम लोग बारापत्थर पे यहाँ से घूमते हुए जाएंगे बढ़िया सुकोताल पे। सुकोताल पे है केव गार्डन, ये पूरा बारापत्थर का इलाका है। बारापत्थर यहाँ है या नहीं है वो तो गाइस कन्फर्म नहीं है, बट बारापत्थर नाम है तो हम भी लेते ही हैं। तो फिलहाल ना गाइस अब हम लोग लंबे से जा रहे, पहले हम लोग आगे से जा रहे थे बारापत्थर से होते हुए पूरा सुकोताल। अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट से जा रहे हैं बढ़िया से, शॉर्ट से निकलते गाइस यहाँ से। तो यहाँ पर से है वो शॉर्ट जहाँ से हम पहुंचेंगे सीधे सुकोताल पे, है नहीं अभिषेक भाई? नहीं यार भाई गाइस वो शॉर्ट रास्ता आप लोग यहाँ से आके यहाँ से जा सकते हो सुकोताल पे। फिलहाल गाइस अभी हम शॉर्ट रास्ते से पहुंच गए हैं सुकोताल की रोड में। अब हम लोग को पेट्रोल पंप पे जाना है, पेट्रोल पंप पे है ना क्योंकि कीव गार्डन वहाँ पे। एंड ये है कुछ देख सकते हैं आप लोग सुकोताल की रोड, हम 4 लोग लगे हैं। फिलहाल गाइस अभी हम रास्ते तक तो पहुंच गए हैं कीव गार्डन के, जहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पे तो पहुंच गए हैं। अब चलते ऊपर को गाइस यहाँ पे केव गार्डन एंड अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं फिर चलते गाइस ऊपर केव गार्डन में एंड काफी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीजें वहाँ पे एंड बाहर का कुछ सीन ये है देख सकते हो। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग केव पार्क के अंदर आ चुके हैं एंट्री वगैरह लेके बढ़िया से एंड अब आपको केव पार्क दिखाते हैं बढ़िया से। तो फिलहाल अब केव पार्क घूमते गाइस बढ़िया से। यहाँ पे देखो बुलेट राइड यहाँ पे दिखाते हैं आपको,
यहाँ पे देखो बुल राइट है, रियल वाक तो नहीं भाई कसम से, यहाँ वो लगा रखे स्पीकर। चलो चलो तो यहाँ ना गाइस टायर की आवाज आ रही है काफी गजब सी, यहाँ से आ रही है एक्सपोज। चल हम जा रहे हैं गाइस गुफा के अंदर, यहाँ यहाँ देखो काफी बढ़िया सी गुफा है यहाँ भाई, गुफा देखो लाल ना गाइस। अभी हम लोग हैं केव पार्क के अंदर एंड अभी हम एक गुफा के अंदर जा रहे हैं भाई, यहाँ ना काफी अंधेरा है बट काफी मजा आ रहा है यार, नया एक्सपीरियंस है, भी दिखाता हूँ भाई देखो। ए देखो भाई अभी हम गुफा के अंदर है गाइस, काफी मजा आ रहा है लेकिन यार ये गाइस, तो यहाँ से है एग्जिट एंड यहाँ को भी नीचे कुछ है बट लोकेशन काफी बढ़िया है गाइस, यहाँ ऐसा एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। देखो कुछ अलग है, अरे हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आ रखे गाइस, ओ भाई 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 ओ भाई, तो अभी हम ना गुफा के अंदर है गाइस काफी, फिलहाल गाइस देख सकते हो आप लोग कितनी भाई छोटी छोटी सी जगह है, ओ भाई भाई यार काफी छोटी छोटी सी जगह है यहाँ बट काफी मजा आ रहा है, ओ भाई लाल साइड अब हम बाहर पहुंच गए गाइस, अब हम बाहर पहुंच गए गाइस, फाइनली भी हम बाहर पहुंच गए गाइस एंड अंदर का एक्सपीरियंस काफी तगड़ा था भाई, यहां से भी हम आ रहे हैं जस्ट बाहर। भाई कैसा था अंदर का एक्सपीरियंस? एकदम सही, सही था ना भाई? देखो ये चीज है जो कि अंदर है डरा देती है कसम से, एक तो अंदर गुफा है भयंकर, काफी पतली पतली सी जगह है एंड ये बाघ की आवाज आती है तो ना काफी डर लग जाता है, इन काफी अंदर का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया गाइस। नैनीताल में का केव गार्डन जरूर से विजिट करना, काफी बढ़िया है। तो हम यहाँ से गए थे शायद एंड यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से हम बाहर निकले, मजा आया। तो आपको दूसरी लोकेशन को चलते गाइस, यहाँ तो काफी मजा आ रहा है, एक गुफा से फिलहाल अभी हम आ चुके हैं एंड आप कोई आगे कोई जा रहे हैं कोई बढ़िया बढ़िया सी लोकेशन और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। फिलहाल कुछ लोकेशन तो यह है, काफी प्यारी सी निगाह वगैरह हो रही है यहाँ देख सकते हो आप लोग, फिलहाल अब हम लोग एक और गुफा में जा रहे हैं गाइस भाई, ये वाली लेकिन काफी छोटी गुफा है भाई, ये काफी छोटी सी गुफा है गाइस भाई, ओ भाई भाई कैसा लगा भाई? फिलहाल ना गाइस अभी हम लोग गुफा से आगे एंड काफी छोटी सी गुफा थी भाई, पूरा ना झुक झुक के आना पड़ रहा था पूरा पैर से नीचे से एंड ना काफी मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस है गाइस यहाँ का, देखो तो आप इतनी छोटी छोटी सी जगह से भी हम आए एंड अब चलते गाइस ऊपर, ऊपर दिखाते क्या है जाने का इसके अंदर भाई, छोटी सी जगह है गाइस, चलो चलते हैं भयंकर जोगा देखा जाएगा लेकिन भाई जगह देखो कितनी सी आएंगे है जाने का देखते सही पहले, अरे है भाई है, चल भी चल, उजाला दिख रहा भाई? उजाला तो नहीं है, आ जाएंगे, अबे है भाई जगह, भाई नीचे अंधेरा भाई गाइस नीचे देखो भाई पूरा अंधेरा है नीचे एंड हम लोग यहाँ रखे, यहाँ पता नहीं है भी नहीं है आने का बट हम लोग आ गए, लाइट तो है नहीं भाई, रहने दे, लाइट वगैरह है नहीं लेकिन ना उस साइड को मन हो रहा जाने का भाई, चल ले चल बदलेगी अबे लाइट ही नहीं है यार अंदर जाएंगे कैसे भाई, यहाँ पे ना बल्ब भी फूजे गाइस, अब हम जाने लग गए, चलो भाई चलो, डर गया अभी से गाइस, डरने की बात नहीं भाई, अगर जो बोले सो निहत गाइस, अभी हम देखो क्या एक्सप्लोर कर रहे गाइस, ये देखो हम कैसे जा रहे हैं भाई, तो गाइस अब ना मैं जा रहा हूँ भाई, काफी डर लग रहा है सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूर।
परदेसी बिना तेरे शहर।